अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कनीज डिज़ाइनर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोग को हम बनाना बताएंगे पतंग बेडशीट डिज़ाइन। तो आप लोग इस डिज़ाइन से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि पिलो कवर हुआ, कुशन कवर, बेबी बेडशीट, सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट, जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही खूबसूरत लगेगा बनने के बाद। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें हमारी हैंड नई वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को इसे बनाना बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ कपड़े लिए हैं, तो ये हमारे बचे हुए कपड़े हैं, तो इन सबसे हम आप लोग को बताएँगे। तो हमने लिया है रेड कलर, और हमने लिया है लाइट येलो, और हमने लिया है ब्लू कलर। तो हमने लिया है तीन कलर, तो हम तीनों कलर से हम बनाने वाले हैं डिज़ाइन को। अगर आप लोग कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ब्लू वाला कपड़ा है, तो हमने इसे कट किया है यहाँ पे। तो इसकी जो नाप है वो हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो हमने इसे लिया है 7 इंच का, और इस जो है चारों कोना बराबर है, और हमने इसे एक ही पीस अभी लिया है। तो एक ही पीस हम आप लोग को बना के दिखाएँगे, अगर आप लोग छोटा बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखें, कॉर्नर को ऐसे मोड़ना है आपको, कोने पर इस तरीके से हम मोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कपड़ा जो है कितना है, तो कैसे आपको मुड़ना है यहाँ पे। तो एक कोने पे हम मोड़ देंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है, और हमें बराबर से दोनों तरफ ही रखना है ऐसे। तो हमारा 3-3 इंच हम लेंगे यहाँ पे, तो 3 इंच पे हमें क्या करना है, बराबर से मोड़ लेना है कपड़े को, कि हमारा कम ज़्यादा ना हो। तो 3 इंच पे हमें मोड़ लेना है, 3 इंच का ऐसे दोनों तरफ से 3-3 इंच देख लेंगे हमारा है कि नहीं, बराबर आपको रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। तो 3 इंच का ऐसे हम मोड़ लेंगे, और ऐसे हमें इस तरीके से काट लेना है यहाँ पे। तो ऐसे हम एक कॉर्नर का कपड़ा जो है हम कट के निकाल देंगे, तो ऐसे आपको काट लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रेड वाला पीस है, तो हमारे से बचे हुए कपड़े हैं उसमें से हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम रेड वाला पीस लेंगे, और जो हमारा कटा वाला पीस है उसे लेंगे और उसके ऊपर रख लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, उससे बड़ा कट करना है आपको 1/2 इंच। तो यहाँ पे ऐसे हम 1/2 इंच से मतलब ज़्यादा ही रखना है, कम नहीं करना आपको थोड़ा सा, और ऐसे हमें काट लेना है। तो हम देख लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं यहाँ पे। तो हमें 3.5 इंच का यहाँ पे हमें लेना है, तो इधर हमारा ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इसे बराबर कर लेंगे अच्छे से 3.5 इंच का, और इसे हम काट के आपको अच्छे से बराबर कर लेना। दोनों तरफ हमें 3.5 इंच का ही चाहिए, 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो अगर आप लोग बेडशीट बना रहे हैं तो आपको कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, हम सिर्फ बचे हुए कपड़े से आप लोग को दिखा रहे हैं। तो आप लोग को ऐसे पहले कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कटिंग जो है हो गया है, यहाँ पे रेड कलर का पीस जो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइट येलो है उसे लेंगे, और इसे भी हमें काटना है कैसे वो आप लोग देखें। यहाँ पर कपड़े को हम खोल देंगे, उसके बाद जो हमारा ब्लू वाला पीस है जिसे हमने काट के रखा है यहाँ पर उसे लेंगे, और इसे कॉर्नर पर हमें रखेंगे यहाँ पर, और इसे हम क्या करेंगे, इसे बराबर से हम काट लेंगे ऐसे, आपको काट लेना है। तो जो हमारा ब्लू वाला कपड़ा है, हमारा नेवी ब्लू है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा ब्लू में, तो इसी के बराबर हमें रखना है 3-3 इंच का यहाँ पे। तो 3 इंच का हमारा है, तो 3 इंच का हम पीस कट लेंगे, कट कर लेंगे। उसके बाद हम कपड़े को क्या करेंगे, मोड़ देंगे अच्छे से। ये हमारा थोड़ा सा कपड़ा जो है सिकुड़ा हुआ है, हमने इसे प्रेस नहीं किया है। तो अगर आप लोग का कपड़ा ऐसा हो तो आप लोग पहले क्या करें, इसे प्रेस कर लें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कपड़े को बराबर करेंगे और हम पट्टी कट करेंगे यहाँ पर। तो हमारा कपड़ा जो किनारे का है उसे हम अच्छे से थोड़ा सा मतलब साफ कर देंगे, इसे बराबर कर देंगे अच्छे से दोनों तरफ का यहाँ से। तो यहाँ पे हमें पट्टी लेना है, यहाँ पे ऐसे हम नाप लगाएंगे, तो हमारा जो है 2.5 इंच का हमें लेना है यहाँ पे, 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो 2.5-2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इसे एक पट्टी में कट कर देंगे। तो ऊपर नीचे हमें 2.5-2.5 इंच पर निशान लगा लेना है, उसके बाद हमें पट्टियों में इसे काट लेना है। तो हमें 2.5 इंच की पट्टी कट करना है, मतलब चौड़ाई लेना है, लंबाई आपको ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि सिलते वक्त आपको लेना है, इसे काटना नहीं है। तो ऐसे हम लंबे लंबे पट्टी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लंबे लंबे जो है पट्टियों को कट कर लिया है, 2.5-2.5 इंच का हमारा है चौड़ाई उसका, तो 2.5-2.5 इंच की हमने पट्टी को काट लिया है। तो अब हमें कैसे स्टिचिंग करना है, तो आप लोग को कटिंग जो है समझ में आ गया, अब स्टिचिंग कैसे करना है वो आप लोग देखें। तो हम आप लोग को चलिए स्टिचिंग करके दिखा दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखिए जो हमारा बड़ा वाला पीस है, और उस पर रेड वाला जो हमारा पीस है उसे लेंगे ऐसे, जहाँ पर हमारा कटिंग हुआ है वहाँ पे रखेंगे पीस को, ऐसे हम दोनों को पकड़ के आप अच्छे से हमें सिलाई कर लेना है। तो आप लोग देख के भी दोस्तों समझ सकते हैं हमारा बताने का तरीका, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो देख के वीडियो देख करके भी आप लोग अच्छे से
बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सील लिया है ऐसे दोनों पीस को काट के हमारा ब्लू और रेड कलर का। उसके बाद जो हमारा छोटा वाला पीस है लाइट ब्लू और लाइट येलो और हमारा जो है नेवी ब्लू जो है, जो उस दोनों पीस को हम पकड़ेंगे और ऐसे जोड़ देंगे यहाँ पे। तो इसको हम जोड़ लेंगे ऐसे, हमने इसे जोड़ दिया है, देखिए ऐसे जोड़ लेना आप लोग को। तो बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये वाला पीस हमें ऐसे लेना है, यहाँ पे हमारा ऐसे आना चाहिए तभी पतंग जैसा दिखेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे पट्टी लगाएंगे किनारे किनारे पे। तो हम क्या करेंगे, पट्टी वाला कपड़ा लेंगे और एक किनारे पे यहाँ पे देखिए नीचे से आपको शुरू करना है। देखिए एक यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ से शुरू करना है आपको। ऐसे हम सिलते हुए आएंगे ऊपर तक, जहाँ तक हमारा कपड़ा है वहाँ तक आएंगे। और इसे अच्छे से हम क्या करेंगे, बराबर से आपको काट लेना है, आपको कम ज़्यादा नहीं करना है। जितना बड़ा हमारा पीस आ रहा है 7 इंच का, उतना बड़ा ही आपको यहाँ पर काट लेना है। तो ऐसे हम काट लेंगे। तो एक तरफ हमने ऐसे कट कर लिया है, उसके बाद वहाँ से हम दोबारा से शुरू करेंगे। यहाँ से हम लगाएंगे कपड़े को और ऐसे सिलते हुए ऊपर तक आएंगे, जहाँ तक हमारा कपड़ा है वहाँ तक आपको आ जाना है। यहाँ पे हमें आ जाना है और यहाँ से हम कपड़े को काट देंगे। जितना हमारा जो है कपड़ा बराबर आपको काटना है, कम ज़्यादा नहीं करना है आपको। देखिए कपड़े को हम ऐसे रखेंगे पट्टी को और अच्छे से बराबर से आपको ऐसे काट लेना है, उस पीस के बराबर जितना भी हमारा पीस आ रहा है उतना आप कटना, कम ज़्यादा नहीं करना है कि आप ज़्यादा कट कर लें या कम कट कर लें। फिर दोबारा से हमें वहीं से शुरू करना है जहाँ से हमारी कटिंग हुई है, यहाँ से हम शुरू करेंगे और पट्टी को सिलते हुए ऊपर तक आ जाएंगे। और फिर हमें काट लेना है। तो तीन तरफ इस तरीके से हमें पट्टी लगा करके, पट्टी लगा करके काटते जाना है। अब चौथी पट्टी कैसे लगेगी वो आप लोग देखें यहाँ पे। तो जो हमारा जॉइंट वाला पीस है यहाँ पे हमने लिया है, तो इसे देखिए यहाँ पे ऐसे रखेंगे कि हमारा, आप लोग देख लें कैसे हमें लेना है यहाँ पे। आप लोग मतलब यहाँ पे रख देख लें कि कैसे हमारा आ रहा है और कैसे हमें सिलाई जो है लेना है यहाँ पे। तो ऐसे हम रख लेंगे, उसके बाद पट्टी को रख के देख लेंगे कि हमें कैसे इसका सिलाई लेना है जो हमारा सही आए। तो इस तरीके से हम रखने के बाद यहाँ पे देखिए हमें ऐसे लेना है। तो जॉइंट वाला ऊपर करना है, बिना जॉइंट वाला नीचे, या पट्टी पे ऐसे रख के हमें जो सिलाई कर लेना है, जो हमारा ब्लू वाला है उसे हमें येलो येलो में मिला देना है। ऐसे देखिए हमारा आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके से घुमाएंगे पट्टी को यहाँ पे, ऐसे देखिए आपको घुमाना है, ऐसे घुमाएंगे हम यहाँ पे जॉइंट मिला करके। और ऐसे हम पकड़ेंगे पट्टी को, जॉइंट मिलाते हुए हमें यहाँ पे उल्टी साइड से सिलेंगे। ऐसे देखिए पकड़ लेना है आपको, हमें पीस को हमें पलट देना है और यहाँ पे जॉइंट जो मिला लेना है, जॉइंट को मिलाते हुए हमें जहाँ तक हमारा पीस आ रहा है कपड़े का वहाँ तक हमें सिलाई लेना है पूरा। तो ऐसे सिलते हुए हम ऊपर तक से नीचे तक आ जाएंगे और यहाँ पे हम मशीन को बाहर निकाल के सिलाई को यहाँ पे कट कर देंगे हम कपड़े को। तो ऐसे हमें काट लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी पट्टी है चारों तरफ हमने इसे लगा लिया है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी जो डिज़ाइन है वो बन गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको ऐसे ही तैयार कर लेना है पीस को। अब हम क्या करेंगे इसे, अब हम पीस को आप क्या करेंगे, अच्छे से इसे हम प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के बाद आप लोग को हम दिखाते हैं कि हमारी जो डिज़ाइन है कैसे दिख रही है और आगे आपको क्या क्या करना है अभी कि आपकी बेड तैयार हो जाए, आपकी बेड शीट। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो डिज़ाइन है इसे हमने प्रेस कर लिया है और जो हमारी सिलाई है अच्छे से बैठ चुकी है और आपको जो पतंग है काइट जो है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हमको लग रहा है, बहुत ही प्यारी। तो आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं, अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बेडशीट है कैसे बनाना है, तो ऐसे ही आपको पीस तैयार करना है और उसके बाद यहाँ पे जोड़ते जाना है। अगर आप चाहें तो पीस के बाद भी पीस जोड़ सकते हैं और नहीं तो आप क्या करें, ऐसे पीस तैयार कर लें और उसके बाद पट्टी लगा लें यहाँ पे किनारे पे, पट्टी लगा लें आप। पट्टी लगाने के बाद रेड कलर का लगा सकते हैं आप, रेड कलर का पट्टी लगा करके आप लोग जोड़ते जाएँगे। तो इस तरीके से जो पट्टी लगाते जाएँ आप, बेडशीट जो है आप पीस को जोड़ते जाएँ, तो आप जितना भी जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। तो आप लोग अगर रेड कलर का पट्टी लगाकर जोड़ेंगे तो आप लोग स्क्रीन पे जो देख सकते हैं हमारे, आपकी बेडशीट जो है इस तरीके से बिल्कुल बन के आएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। नहीं तो आप किसी कलर का भी पट्टी लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस कलर का, रेड कलर का भी पट्टी लगा सकते हैं, लगा करके ज्वाइंट कर सकते हैं। तो आपकी बेडशीट जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से तैयार हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आप लोग सबसे पहले बेबी बेडशीट ही बनाएं कि आप बच्चे ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ही आपको आ भी जाएगा, बहुत ही इजी है। तो आप लोग सीख भी सकते हैं बेबी बेडशीट पे और आपका कपड़ा जो है मतलब ख़राब नहीं होगा, आप लोग बेबी बेडशीट पे ट्राई कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप लोग को हमारे चैनल पे बहुत सारे बेडशीट डिज़ाइन मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके दे सकते हैं। और आप लोग को बता दें हमारा फर्स्ट चैनल भी है KF सिलाई सेंटर, वहाँ भी हम अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाके हमारे फर्स्ट वाले चैनल पर भी जा सकते हैं, नहीं तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आप पसंद आए हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक रखें हमें दुआओं में याद और अपना और अपनों का रखें खूब ज़्यादा ख्याल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।